Welcome to Basra Engineering Salon and I am Engineer Faiz Alam Basra. Guys, AutoCAD में हमारा आज का टॉपिक है इंसर्ट टेबल कमांड। आज के टॉपिक में हम अपने ड्राइंग्स के अंदर टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम उसमें अपनी वैल्यूज टेबल की शक्ल में शामिल कर सकते हैं। तो ये अगर हम मेन मेन्यू पर ऊपर जाएं तो ये एनोटेशंस के अंदर यहाँ पे सामने टेबल कमांड है। अगर हम यहाँ से आइकॉन को क्लिक करेंगे तब भी ये कमांड एक्टिव हो जाएगी, और अगर ये नीचे देखें इसी डायलॉग बॉक्स के नीचे टेबल कमांड है, टेबल लिखेंगे कमांड लाइन में तो तब भी ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पे मेन लाइन पे मेन्यू बार एनोटेट में जाएंगे अंदर, ये क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डिटेल से सारी टेबल्स जो है इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज हर चीज़ इसके अंदर है शामिल है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं यहाँ पे एनोटेशन के ऊपर, ये टेबल कमांड पे क्लिक करें। अच्छा, ये देखें यूँ ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। तो इसके ऊपर ये टेबल स्टाइल है, यहाँ से आप स्टाइल सेट कर सकते हैं। अभी इसमें एक ही स्टाइल है, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो ये देखें टेबल स्टाइल डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर आप एक सबसे पहले ये है कि आप कोई भी नया इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे जितने भी होंगे उनमें से एक को आप सेट करंट कर सकते हैं, यानी जिस पे आपने काम करना है उसको सेट करंट कर दें तो फिर वही आगे जो है आगे बाकी सारी ड्राइंग में वही एक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये देखिए मॉडिफाई में सारा कुछ आ जाता है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ से स्टाइल हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद ये इंसर्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी ऑप्शंस आ गए कि आपने किस तरीके से खाली टेबल को इंसर्ट करना है पहले, या आपने पहले डाटा लिखना है बाद में उसके हिसाब से इंसर्ट करना है। नीचे जाएंगे तो ये प्रीव्यू है, जो भी स्टाइल चल रहा है उसका ये प्रीव्यू दे रहा है कि ऊपर टाइटल है, ये नीचे हेडर्स हैं, ये बाकी लाइंस है डाटा की जहाँ पर डाटा लिखा जाएगा। इसी तरह इस तरफ चले जाएँ तो ये इंसर्शन बिहेवियर है कि इसको कैसे इंसर्ट करना है, इसका स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, यानी इसको पॉइंट को स्पेसिफाई करने के कहाँ से आपने इंसर्ट करना है, या को विंडो पर आप स्पेसिफाई करेंगे कि आप उसका साइज देंगे, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर जब आप लेके जाएंगे एरो को, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है। अपर लेफ्ट कॉर्नर को आप स्पेसिफाई करेंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो उसको पिक कर लेगा और इस तरीके से वो, और अगर आप विंडो के हिसाब से देंगे तो यहाँ पे आप उसके कोऑर्डिनेट वगैरह स्पेसिफाई साइज एंड लोकेशन ऑफ टेबल, ठीक है, यहाँ पे भी आप उसके कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। तो नीचे चले जाएं कॉलम एंड रो सेटिंग, तो यहाँ पे आप लिखें देखेंगे कि उसमें आपने कितने कॉलम सेट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये कॉलम विड्थ है। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जितने ज़्यादा काम करने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसकी विड्थ है, कॉलम की विड्थ ज़्यादा करनी है कम करनी है, आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे यहाँ पे डाउन और अप फॉर डायरो पे कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है डाटा रोज, ये रोज जो है रोज कितनी रखनी है, चार है पाँच है, इसको कम कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, और रो हाइट क्या है यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, टू लाइंस की, डेढ़ लाइंस की, वन लाइंस की, ठीक है। इसके बाद इसका सेल स्टाइल क्या है, सेल स्टाइल क्या है, सेट सेल स्टाइल्स, सेल स्टाइल जो उसने बताया फर्स्ट रो सेल स्टाइल क्या है, ये सबसे पहले टॉप वाली रो होगी वो टाइटल होगी, ठीक है। कंट्रोल्स वेदर प्रीव्यू डिस्प्लेस, इसमें टाइटल होगा, आप जो भी सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टाइटल डाटा हेडर, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहली रो आपने क्या रखनी है,
अगर टाइटल यहाँ पे इसके अंदर देना है तो ठीक है, अगर आपने इसमें टाइटल नहीं देना, सिर्फ हेडर देना है, हेडर दे सकते हैं, सारी डाटा की है तो डाटा कर सकते हैं यहाँ से आपने। और दूसरा सेकंड सेल, सेकंड रो जो है, दूसरी रो इसमें हेडर है, इसमें भी आप सेट कर सकते हैं इसको टाइटल रखना है, 2 में टाइटल रखने, 3 में रखने, हेडर रखने, ठीक है इसी तरह से। और इसके बाद ये आ जाता है कि बाकी जो है ऑल अदर रो सेल स्टाइल्स हैं वो डाटा के होंगे। तो इस तरीके से हम टेबल की प्रॉपर्टीज यहाँ सेट करके यहाँ पे ओके करेंगे। यूं ही आप ओके करेंगे तो ये देखें, यहाँ हमने उसका स्पेसिफिक इंसर्शन पॉइंट था, ये देखें टेबल को वो कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर टॉप से पिक करता है और जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्ट कर लें। ये देखें, देखिए ये सबसे पहले इसके ऊपर टाइटल आ जाता है, इस पर आप लिखें टाइटल, इसके बाद जहां पे आप हेडर लिखना चाहते हैं इस पे क्लिक करें हेडर, ये भी हेडर, क्लिक करें फिर लिखें इसके HEADER। तो इस तरीके से जहां पे आप लिख सकते हैं पहले क्लिक करें फिर इसके बाद लिखें, तो ये इसके स्टाइल बन जाएगा। टॉप पे वो सबको एक मर्ज करके एक लाइन दे देते हैं, आप नीचे हेडर और इसके नीचे डाटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। फर्ज कर यहाँ पे आप 2 लिखें, फिर यहाँ पे 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं, हर एक में लाइन में लिख सकते हैं। और ये देखें आपने उसके अंदर हमने इसका स्टाइल भी रखा, इसके विड्थ लिखी, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को आपने ज़्यादा करना है तो यहाँ से भी आप पिक करके कर सकते हैं, वैसे वहाँ से भी आप जाके इस पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। अभी ये देखें इस पे क्लिक करें, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये तो टेक्स्ट टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए ये ऊपर सारी स्टाइल आ जाएगा, और ये देखें ये टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। आप इसमें से किसी का स्टाइल जो है या इसकी थिकनेस या इसे ये देखें इसकी ज़्यादा चेंज मतलब चेंज करना चाहते हैं कर लें। इसको आपने बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें, ये इसमें टाइटल का ये है कि जितनी आपने रो हाइट रखी है वो उससे ज़्यादा उसको वो नहीं चेंज करेगा, पहले से आप उसकी रो हाइट चेंज करेंगे फिर ही वो उसको चेंज करेगा। यूं ही आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट एडिटर अपीयर हो जाएगा। इसके अंदर आपने किसी जगह पे ये देखें, अच्छा इसके बाद ये आ जाता है, ये देखें पहले वो टेक्स्ट एडिटर था, ये टेबल एडिटर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टेबल एडिटर रहता है, ये टेक्स्ट एडिटर हो गया। अगले पे आप जाएंगे एनोटेट, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जाके ये टेबल स्टाइल आ जाता है, अगर आपने टेबल स्टाइल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं।
ये है डेटा एक्सट्रैक्शन। अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, लिंक करना है, ये सोर्स से लेना है या किसी सोर्स को अपलोड करना है, तो इस तरीके से ये टेबल्स यहाँ पे, ये मैनेज टेबल स्टाइल्स, यहाँ से आप टेबल स्टाइल उसे, यानी आप कई तरीके से आप इसको जहाँ तक पहुँच सकते हैं मॉडिफाई करना है। सेलेक्ट टेबल टू स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, सेलेक्ट टेबल, टेबल को सेलेक्ट करें, टेबल डायरेक्शन क्या है, डाउन वर्ड रखनी है, अपवर्ड रखनी है, ये देखिए अगर अपवर्ड करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ से चला जाएगा, इसको नीचे ले लें। अगर हमने इसको देखा डाउन से अपवर्ड की तरफ किया तो ये अपवर्ड हो गया। दोबारा इस पे क्लिक करें, एनोटेट पे जाएं, मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके ये मॉडिफाई टेबल स्टाइल है, यहां पे इसकी डायरेक्शन को चेंज करें, डाउन करेंगे तो ये डाउन हो जाएगी, ये देखें इस तरीके से, ये आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हैं। दोबारा जाएं एनोटेट पे, यहां से टेबल्स मॉडिफाई, इसमें आप देखें इसकी प्रॉपर्टीज है, अगर आपने टेक्स्ट का चेंज करना है इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें यहाँ से टेक्स्ट हाइट जो है टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें अगर आप 90 डिग्री लिखेंगे, ओके करें, ये देखिए उसने सारे टेक्स्ट को 90 डिग्री पे कर दिया है। दोबारा देखें इस पे, यहाँ पे टेबल राइट साइड पे टेबल स्टाइल्स, यहाँ से इसको मॉडिफाई करें, यहाँ पे इसका एंगल जीरो करें, ओके करें, तो इस तरीके से इसका टेक्स्ट हाइट जो कि हमें उसमें लिखी है तो उसने चेंज कर दीजिए। दोबारा जाए मॉडिफाई टेक्स्ट हाइट, जनरल क्या है, जनरल में इसका फिल कलर, अगर आपने इसकी बैक साइड पे कलर फिल करना है कोई भी कलर फिल कर लें। अलाइनमेंट है इसकी, टॉप सेंटर है, अगर आप टॉप राइट रख सकते हैं, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, यानी कि कोई भी आप इसकी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फॉर्मेट, उसका कौन सा रखना है, जनरल है, अगर आपने ये करेंसी एंगल वगैरह या डेट टेक्स्ट रखना है तो वो जहाँ से इसको कंप्लीट आप सेट कर सकते हैं। और टाइप इसकी क्या है, लेबल, आगे मार्जिन है कि टेबल के मार्जिन साइड पे वो कितने रखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद उसमें क्या मार्जिन रहता है उतना। और यहाँ पे अगर आपने सेल को मर्ज करना है, मर्ज सेल्स ऑन रो कॉलम क्रिएशन, किसी जगह पे आपने मर्ज करना है तो यहाँ पे ये देखें वो दोनों को मर्ज कर देगा, ओके करें, तो ये आपने किसी जगह पे सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे इसको मर्ज करेगा। ये हमने पीछे इसके बैकग्राउंड पे कलर को फिल कर दिया। दोबारा जाएं मॉडिफाई
यहां से नो नन कर दें और जिसको मर्ज को भी खत्म कर दें। इसको देखें, अच्छा यहां पे ये देखें, ये सारे इसके पिक पॉइंट्स हैं, इसको आप होल्ड्स हैं, यहां से आप पकड़ के इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें जितना भी आपने इसको आगे लेके जाना है टेबल को चेंज कर सकते हैं, वहां से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी विड्थ वगैरह, और यहां से आप इसको इस साइड को जा रही है, ठीक है। हर टेबल का अपना पॉइंट है, और अगर आपने इसको जहां से नीचे का लेके जाना है यानी विड्थ ज्यादा करनी है तो यहां पे रोज भी आप चेंज कर सकते हैं, और ये जो है यहां पे आप अगर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब आप इसको लैदा लैदा करेंगे तो ये देखें यहां पे आप किसी भी पॉइंट को पिक करके पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। तो देखें हेडर, ये अभी टेबल के हिसाब से जिसके टाइटल्स हैं या जो टेक्स्ट है बहुत छोटा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं इस। तो गाइस आप यहां पर आज का जो पार्ट ये खत्म होता है, तो इसे नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।